जय हर्ष स्वीकारा है। यह कविता गजानन माधव मुक्ति बोध की द्वारा लिखी गई है। इस कविता में निजी अनुभवों का आधार बनाया गया है। इसमें तुम जो शब्द है वो लेखक की माँ, बहन, पत्नी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, इसका रहस्य बना हुआ है। कवि स्वीकार करता है कि उसके जीवन में जो भी कमियां या कमजोरियां या उपलब्धियां हैं, उन्हें उसके प्रिय का प्रेम और समर्थन प्राप्त है। उसकी गरीबी जो है गर्वीली है, यानी गौरवान्वित है वह अपनी गरीबी पर। क्यों? क्योंकि इसके कारण उसे अनुभव मिले हैं, विचार मिले हैं, चिंतन मिला है और उसकी भावनाएं जो हैं इसी के कारण सब उत्पन्न हुई हैं, जो बिल्कुल मौलिक हैं। मौलिक यानी उसकी स्वयं की हैं, किसी और के द्वारा ली हुई नहीं है। ये सब प्रिय के प्रेम का संबल पाकर ही प्राप्त हुए हैं। ये सब चीज़ें कवि को कहाँ से प्राप्त हुई हैं? उसके प्रिय का प्रेम पाकर के प्राप्त हुई हैं। कवि अपने प्रिय के साथ बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। वह स्वयं को जितना भी उंडेलता है उतना ही फिर भर आता है, मानो उसके भीतर कोई झरना है। उसे लगता है कि उसका प्रिय उस पर चांद की तरह खिला रहता है। कवि चाहता है कि वह अपने प्रिय के अत्यधिक प्रेम से, उसकी ममता के मोह से उभरे। वह सदा ही उसकी आत्मीयता के उजाले में रहते रहते कमज़ोर हो गया है और उसे भय लगता है कि वह उसके बिना कभी भी शायरी नहीं कर पाएगा। इसलिए वह उसे भूल जाना चाहता है ताकि वह अंधेरों में गहरी से गहरी गुफाओं में जी सके। यद्यपि उसका प्रिय को भूलना एक दंड होगा, फिर भी वह इस दंड को झेलना चाहता है और उसे विश्वास है कि वह अंधेरों से भी लड़ता जब होगा तो उसकी आत्मीयता जो है, प्रेयसी की आत्मीयता जो है, वो हमेशा उसे सहारा देती रहेगी। उसके जीवन में जो भी उसे आज तक मिला है वह सब उसके प्रिय की देन है। कविता की पंक्तियाँ शुरू करते हैं। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गर्वीली गरीबी यह है, ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता यह भीतर की सरिता, यह अभिनव सब मौलिक हैं। इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। कवि कहता है कि अपनी प्रेयसी को या प्रिय को यहाँ पर संबोधित करता है कि हे प्रिय, मेरे जीवन में जो भी उपलब्धियाँ हैं या कमजोरियाँ हैं, मैं उन्हें खुशी से स्वीकार करता हूँ। मुझे उन पर गर्व है। कारण यह है कि मेरे पास जो भी है मेरा अपना है, वह सब तुम्हें बहुत प्रिय है। मेरी गर्व से भरी गरीबी, मेरे जीवन के गहरे अनुभव, मेरा गहरा विचार चिंतन, मेरे व्यक्तित्व की दृढ़ता, मेरे मन में बहती भावनाओं की नदी, मेरे अन्य रूप, ये सब अपने आप में मौलिक हैं, निजी हैं, नए हैं। इनकी मौलिकता का मूल कारण है कि मेरे जीवन में जो भी गतिशील चेतना है या जहाँ से भी मुझे प्रेरणा मिली है, उसमें तुम्हारी प्रेरणा कार्य कर रही है। तुमने ही मेरे व्यक्तित्व का निर्माण किया है। इस पद में कवि कहता है कि जाने क्या रिश्ता है। कवि ये कहता है कि उसे पता नहीं है कि उसका अपने आत्मीय से कौन सा रिश्ता है। जितना भी उंडेलता हूँ भर भर फिर जाता है, यानी कि वो जितना देता है फिर से वापस उसे मिल जाता है।
दिल में क्या झरना है, दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर वह ऊपर तुम, मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर, मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। इन पंक्तियों में कवि कहता है, अपने प्रिय को संबोधित करते हुए कहता है कि मैं नहीं जानता मेरे और तुम्हारे बीच में क्या रिश्ता है, कौन सा रिश्ता है, कौन सा स्नेह है या क्या संबंध है, किस नाते से मैं तुम्हें इतना चाहता हूँ। मुझे तो बस इतना पता है कि मैं इस स्नेह को हृदय से जितना व्यक्त करता हूँ यानी जितना बांटता हूँ उतना ही और मुझे मिल जाता है। मेरे हृदय में कोई प्रेम का झरना है जो बह रहा है, जिससे लगातार स्नेह की वर्षा हो रही है। अपने स्नेह की तुलना झरने से की है कवि ने यहाँ पर। अथवा हृदय में प्रेम का कोई मीठा स्रोत है जिससे निरंतर स्नेह जल छलकता रहता है। मेरे हृदय के भीतर तुम्हारा प्रेम है, ये कवि का हृदय है। इसमें कहता है कि वह प्रेम बसता है तुम्हारा, अपने प्रिय का प्रेम वो कहते हैं कि उसके हृदय में बसता है और इस प्रेम पूरित हृदय के ऊपर तुम विराजमान हो। तुम्हारा यह खिलता हुआ मुख मेरे हृदय में सदा इस प्रकार रहता है जिस प्रकार पूर्णिमा का चांद रात भर प्रकाश में आकाश में अपनी चांदनी जो है बिखेरता रहता है। इस प्रकार से कवि ने इन पंक्तियों में ये समझाया है। संज्ञा तीन में हम देखते हैं कि कवि अपने प्रिय से प्रार्थना करता है कि वह उसे भूल जाए। सचमुच मुझे दंड दो, भूलू मैं भूलू मैं, तुम्हें भूल जाने की दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या, दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या, यानी कि कवि कहता है कि उसका जीवन अपने प्रिय के वियोग के कारण दक्षिणी ध्रुव जैसे अंधेरे में डूब जाए, वो अंधेरा कैसा हो, अनंत हो। यह बात जो है इन पंक्तियों में कहता है कि दक्षिणी ध्रुव अंधकार अमावस्या, शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालू मैं, झेलू मैं उसी में नहालू मैं, उसी में नहालू मैं, इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता है, नहीं सहा जाता है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है, कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा, आत्मा कमजोर हो गई है कवि की आत्मा बिल्कुल कमज़ोर हो चुकी है। पहले कविता का पठन करेंगे फिर मैं आपको इसका मीनिंग बताती हूँ। कमज़ोर और अक्षम हो गई है आत्मा, यह छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। भाव क्या है कविता के तंजा थर्ड में, कवि अपने प्रिय को प्रेयर कर रहा है कि वह उसे भूल ना चाहता है, कवि चाहता है कि वह उसे भूल जाए। हालांकि यह उसको अपनी प्रेसी को भूलना अपने लिए एक दंड के तरह मानता है, वह कहता है कि यह उसके लिए एक दंड के समान होगा और वह इस दंड को झेलने के लिए तैयार नहीं है। कवि चाहता है कि उसका जीवन अपने प्रिय के वियोग के कारण दक्षिणी ध्रुव
दक्षिणी ध्रुव पर जो अंधेरा है उसके समान अंधेरे में डूब जाए, अनंत अंधेरा जो होता है दक्षिणी ध्रुव पर उस तरह का हो जाए, वियोग की गहरी अमावस्या उसके चेहरे पर छा जाए। कवि के चेहरे पर वियोग की गहरी अमावस्या छा जाए, यानी कि वह वियोग में बिल्कुल काला हो जाए, शरीर पर और उसके हृदय में भी, उसकी आत्मा में भी कालापन आ जाए और उस वियोग वेदना को भरपूर झेले। कवि कहता है कि मैं जो तुमसे अलग रहूं तो इसका जो मुझे वेदना होगी, पीड़ा होगी, उसे मैं झेलूं और उसमें नहा लूं। कारण यह है कि उसका वर्तमान जीवन अपने प्रिय से पूरी तरह घिरा हुआ है। कवि का पूरा जीवन जो है वो अपनी प्रेयसी पर के आसपास घूमता हुआ है और कवि उससे घिरा हुआ है, यानी कि उसके प्रिय ने उसे पूरी तरह से जकड़ लिया है, छा लिया है। यद्यपि प्रियकेश नेह का उजाला बहुत अच्छा लग रहा है, उसे ये अच्छा लग रहा है कि वह प्रेम में लिप्त है, परंतु यह उजाला उसके लिए अब सहन करने योग्य नहीं रह गया है। उसके मन में सदा प्रिय की ममता बादलों की तरह उमड़ती रहती है, बादलों की तरह उसके मन में उमड़ती रहती है, अपने प्रिय की ममता मंडराती रहती है कवि के मन पर। यही कोमल ममता उसके हृदय को पीड़ा भी पहुंचाती है। यही कारण है कि कवि की आत्मा जो है वह बहुत कमज़ोर और असमर्थ हो गई है। आत्मा कैसी हो गई है? असमर्थ, यानी जिसमें अब सहन शक्ति बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और वह बिल्कुल कमज़ोर हो चुकी है। कैसी हो गई है? कमज़ोर हो चुकी है। उसे भविष्य की आशंकाएं डराने लगे हैं। कवि को भविष्य जो है अपना, इसकी आशंका डराने लगी है, यानी कि वह अपने भविष्य के प्रति आशंकित होने लग गया है, आशंकित है अपने भविष्य के प्रति कि वह प्रिय के अभाव में कैसे जिएगा। यानी कि उसे लग रहा है कि अगर उसका प्रिय उससे अलग हो जाए, उसका प्रिय उससे अलग हो जाए तो वह कैसे जिएगा। इसलिए अब उसे अपने प्रिय का बहलाना सहलाना और रह रहकर अपनापन दिखाना जो है, उसका जतलाना, ये प्यार जताना उसे सहन नहीं होता है। कवि चाहता है कि कभी वह अपने प्रिय से बिछड़ जाएगा तो यह उसके लिए बिल्कुल असहनीय बात हो जाएगी, इसलिए वह पहले ही इस बात से डर रहा है और चाहता है कि वह आत्मनिर्भर बने। कैसा बने? आत्मनिर्भर बने, यानी खुद पर डिपेंड रहे, दूसरों पर कभी भी डिपेंड ना रहे, उसके स्नेहांचल के बिना भी अपने पांव पर खड़ा होना चाहता है। वह नहीं चाहता है कि प्रिय की जो स्नेह की आंचल है उसके नीचे वह खड़ा रहने की, यानी दूसरों पर डिपेंड रहने की उसे आदत हो जाए, और इसलिए वह चाहता है कि खुद अपने पांव पर खड़ा रहे, यानी आत्मनिर्भर रहे। स्टेंजा 4 में देखेंगे कि अपने प्रिय को कवि कहता है कि मुझे दंड दो ताकि मैं कभी अंधेरे की जो गुफाएं हैं, भीषण सुनसान अकेले सुरंगे हैं उनके और घुटन भरे बादलों के बीच में विलीन हो जाऊं। कविता में क्या कहा गया है, पहले स्टेंजा पढ़ते हैं। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में, बिल्कुल मैं लापता, लापता कि वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि
जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। कवि कहता है कि तुम मुझे दंड दो। क्यों दंड देने की कह रहा है कि एक बार मैं अकेला रहूं, अकेला भी रहूंगा तो तुम्हारी याद मेरा वहां पर सहारा बन करके रहेगी। इन पंक्तियों में कवि ये कहता है। कहां जाने की कहता है दंड दे करके, पाताल की अंधेरी गुफाओं में, जहां पर काले बादल हों, कोई भी रोशनी ना हो, जीवन का धुआं हो, घुटन हो, उन पाताल की अंधेरी गुफाओं में और मैं विलीन हो जाऊं, यानी खो जाऊं, अकेलेपन से मैं पीड़ित हो जाऊं, लेकिन मैं वहां भी खुश रहूंगा। क्यों खुश रहूंगा? कवि कहता है क्यों खुश रहेगा वह, क्यों? क्योंकि अब भी उसकी प्रिय की यादों का सहारा उसके पास होगा। तुम्हारी प्रेम में यादें मुझे अकेलेपन का जो मेरा संतरास होगा, दुख होगा, अकेलेपन का मुझे जो दुख होगा उससे दूर रखेंगी। तुम्हारी यादें मुझे किससे दूर रखेंगी? दुख से दूर रखेंगी। मेरा विश्वास है कि मेरी जो भी सत्ता है, यानी मेरा आज जो भी मैंने मेरी स्थिति है, मेरी उन्नति है, वह सब तुम्हारे कारण है। तुम्हारे प्रेम से संचालित होकर के मैंने जो भी कार्य किए हैं, उन्हीं कार्यों के कारण आज मेरा वर्तमान है। अभी फ़िलहाल जो मेरी स्थिति है वो सब तुम्हारे प्रेम के कारण है, और तुम्हारी प्रेरणा के कारण ही, तुम्हारी प्रेरणा के कारण ही मेरा जीवन बना है और बिगड़ा भी है। मेरे जीवन में अब जो कुछ भी बचा है या पहले जो भी था, उसे मैंने प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर लिया है, क्योंकि तुमने मेरी सुखद और दुखद सभी स्थितियों को अपना मान करके प्यार किया है। मेरे पूरे जीवन के साथ, पूरा जीवन जो है कवि का, पूरा जीवन उसके साथ उसके प्रिय जो हैं वो जुड़े हुए हैं। तो कवि इन पंक्तियों में यह अपने भाव व्यक्त करता है।